नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अरे भड़वा कटला बगड़ा क्या कमिंदर सद्या आपण मंदिर पाडण जांगीर। अरे तुमच्या बापाकडे आमच्या इकडे एक दिवसाआड पाणी होतं, त्या विरार थोपारा अमुक दिवस तिकडे अमुक दिवस, तुम्ही पाच पाच सहा सहा दिवस आले होता। दोस्तों, आज वसई विरार में स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल मामला है वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर का आयुक्त के साथ मनवा प्रशासन को आड़े हाथों लेने का। ज्ञात हो सुबह वसई विरार मुख्यालय पर झंडारोहण कार्यक्रम होने के बाद मनपा आयुक्त और दूसरे अधिकारियों ने विधायक हितेंद्र ठाकुर की उपस्थिति में एक जनता दरबार लगाया था। उस जनता दरबार में क्षेत्र के लोगों ने अपनी विविध समस्याओं का जिक्र किया। तब लोगों की समस्याएं सुनने के बाद विधायक हितेंद्र ठाकुर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और विधायक हितेंद्र ठाकुर ने वहां मौजूद मनपा के आला अधिकारियों की क्लास लेना शुरू कर दी। और तो और, विधायक हितेंद्र ठाकुर ने किसी अधिकारी को कान के नीचे बजाने की बात बोली तो आयुक्त का नाम लेकर कहा कि ऑफिस में फटकाऊंगा। एक महिला अधिकारी को कहा कि तुम बैठ जाओ, शहाणपण मत करो। वहीं एक बार की तो विधायक हितेंद्र ठाकुर ने एक अधिकारी को भड़वा तक कह दिया। इतना सब होने के बाद वसई विरार में एक नई चर्चा का माहौल पैदा हो गया और हर तरफ लोग यही चर्चा करते दिखाई दिए। वहीं विपक्षी पार्टी के नेताओं में भी विधायक हितेंद्र ठाकुर की शैली को लेकर चर्चा का बाजार गरमाया हुआ था। वीडियो में पहले आप सुनिए हितेंद्र ठाकुर ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, और कुछ और भी बातें हम वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। बड़े तो फेरी वाले तुम्हारा हफ्ते गोला करना, मोटरसाइकिल न साइकिल ही उभ्या करना, साइकिल न मोटरसाइकिल वाले तुम्हारा बांधायचे। आता साडेतीन वर्षात सत्यानाश केलाय, प्रचार म्हणतात का ऑफिस मध्ये फटकावी लिहून। कमिश्नर साहेब तुम्हाला बोलतोय, ऑफिस मध्ये फटकावी। अरे भडव्या कसला बघणार काय कमिश्नर? सध्या आपण मंदिर पाडण जांगीर। अरे तुमच्या बापाकडे आमच्या इकडे एक दिवसाआड पाणी होतं, त्या विरार थोपारा अमुक दिवस तिकडे अमुक दिवस, तुम्ही पाच पाच सहा सहा दिवस आले होता काय कमिश्नर? ते कशाला, तू कशाला इकडे? तो मगाशी कोण बोलत होता इकडून जा, तू काढतो नोटीस कचऱ्याच्या जरा शांत पण नको जास्त। मला कमिश्नर कडून उत्तर पाहिजे, पोपटांकडून नाही। ते आणि तळेकर यांच्या टीमने याचं सर्वेक्षण केलेलं आहे का? सुरुवातीला आम्ही पायलट बेसिस हो तुमचं सर्वेक्षण घाला चुलीत, त्या बसेस येऊन उभ्या राहतात आणि त्या पण लेफ्टला नाही तर बरोबर डिवायडरच्या बाजूला। कसलं सर्वेक्षण करतो रे बाबा? माहिती घेतो, सर्वेक्षण करतो, कारवाई करतो। काय बसेस होता आज? आजच्या आज ह्या सगळ्याची कोण कारवाई करतो? त्यांना खाली पटवले पाहिजेत रे तुमच्या, मला बोलत नाही डोक्यावर ती माझी नाद आणलेली संताप तिकडे झाला, त्याच्या आईला लाल किल्ल्यावर ती बोलली काय चाललंय? हा इथला आधी रिक्षाचा प्रश्न सोडवा, कारण हा रोज नागरिकांना ह्या रिक्षामुळे अडचण होते। आपण ही वैयक्तिकरित्या मी पर्सनली त्यांच्याशी आज बोलून घेतो, कारण हे आरटीओ आणि पोलिसांचा विषय आहे। मी तरीही काल आमच्या यांना सूचना दिलेली आहे की एमसीला जर टो करून उचलता तर टो करून जेव्हा काल एमसी आहे ना तर त्यांच्याशी वाद करता येईल लोकांना। मी पर्सनली ह्या अधिकाऱ्यांशी बोलून आपा हा विषय मार्ग आणि तुम्ही अधिकारी इकडे पडदे लावता तेव्हा आपण ही बात लक्षात येऊ शकत नाही का? मुद्दा
तुमच्याकडे पाणी पुरवठा केलेले आहे आणि काहींचे राहिलेले असेल तर आम्ही बदला करू. जर असे कुठल्या तक्रारी असतील तर आपण त्या वॉर्मन आपण काढून करू टाकू त्यांनी दुसरे वॉर्मनचे पैसे देऊ. सर वॉर्मन वरती कारवाई करतो आम्ही लवकर आणि आपल्याला कळवतो. तुमची मीटिंग राजीव पाटील चालवते मला वाटते ओमेश नाईक साहेब. तो दोस्तों आपने विधायक हितेंद्र ठाकुर का पूरा वीडियो देखा, हितेंद्र ठाकुर की शैली भी देखी. अब कुछ यह सवाल है जिनका भी जवाब जनता को मिलना चाहिए. सवालों में पहला सवाल यह है कि आज हितेंद्र ठाकुर ने प्रशासनिक अधिकारियों से जिस अंदाज में बात की वह अंदाज अगर वाकई में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए है तब भी कुछ हद तक ही सही कहा जाएगा वरना वो सही नहीं है. वहीं सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डाले तो पिछले 35 वर्षों से वसे विरार की सत्ता पर हितेंद्र ठाकुर का एक छत्र राज रहा है. ऐसे में हितेंद्र ठाकुर जिनकी पार्टी जिसका नाम बहुजन विकास आघाड़ी है, क्या उस बहुजन विकास आघाड़ी ने वास्तव में जनता के विकास के काम अंजाम दिए हैं? हम यह नहीं कहते कि कुछ भी विकास नहीं हुआ, निश्चित ही इतने सालों में विकास हुआ है, लेकिन वह विकास किसका हुआ है? क्या जनता का विकास हुआ है या बहुजन विकास आघाड़ी पर जो आरोप लगते हैं और विपक्षी पार्टियां बहुजन विकास आघाड़ी को बिल्डर विकास आघाड़ी के नाम से पुकारती है वह आरोप सही है? दूसरा सवाल यह है कि कोरोना के दरमियान में प्रशासनिक राज शुरू होने के बाद 3 वर्ष का समय छोड़ दिया जाए तो उसके पहले 2009 से लेकर 2020 तक 11 साल बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता में रहने के बावजूद वसई विरार महानगर पालिका में आम सुविधा जिसमें रोड, कटर, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था की क्या व्यवस्था हालत है हम सभी जानते हैं. तो क्या इन समस्याओं पर बहुजन विकास आघाड़ी ने कभी कोई ठोस कदम उठाए हैं? तीसरा और अहम सवाल यह है कि हर साल बारिश में पूरा वसई विरार डूब जाता है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. क्या इसके पीछे बहुजन विकास आघाड़ी का अनाधिकृत बांध काम धारकों को संरक्षण देना जिम्मेदारी नहीं है? विधायक हितेंद्र ठाकुर के विरोधी तो अब यह भी कहने लगे हैं कि अब पिछले 3 साल से सत्ता से बाहर रह रही बहुजन विकास आघाड़ी की आने वाले समय में अपने पुराने कार्यकाल में जनता से किए वादे पूरे नहीं करने के चलते वसई विरार में जमीन खिसकने का डर अब सताने लगा है और उसी डर की वजह से हितेंद्र ठाकुर का इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं. आज दिन में पत्रकारों के एक सम्मान कार्यक्रम के दौरान भी इसी मामले की चर्चा विभिन्न विपक्षी पार्टी पदाधिकारियों के बीच देखी गई. अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. इस खबर के बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.